जय श्री राधे राधे प्रेमियों प्रेमियों, कल जो सर्व पितृ पक्ष की अमावस्या है, तो उसकी जो प्रसादी में जो संत महात्मा जन आ रहे हैं जंगलों से, पहाड़ों से और यानी कि घाटियों से, तो उन्हीं को निमंत्रण करने के लिए हम इन जंगलों में, पहाड़ों में आए हुए हैं। देखो प्रेमियों, ये जंगली जानवर है। देखो एक हो रही है, लोमड़ी है, यानी कि ये रात का समय हो गया है, तो इस समय क्या है ना, ये जानवर ऐसे ही जंगलों में घूमते हैं। ये सियार है हमारे यहाँ से, जैसे लोमड़ी कहते हैं, ये वही है। ये जंगलों के संतों के संध्या के दर्शन है। शायद ये दर्शन पहले कभी किए हों या ना किए हों, क्योंकि रात लगभग होने वाली है और महाराज जी अंदर सत्संग कर रहे हैं, यानी कि ठाकुर जी का नाम जप कर रहे हैं और महाराज जी को निमंत्रण देके शरण चलते हैं। महाराज जी देखिए, महाराज जी संध्या के समय आज तो दर्शन हो गए। बढ़िया है, बढ़िया है महाराज जी, बढ़िया। एक महाराज जी निवेदन करने आए, कल क्योंकि पितृपक्ष की अमावस्या है और थोड़ी सी बस यही है कि थोड़ी सी संतन की सेवा श्री जी की कृपा से हो जाए, तो उस निमित्त से एक छोटी सी प्रसादी है, उसमें आप भी जैसे जंगलों के संत महात्मा पधार रहे हैं, तो क्योंकि सब ऐसे थोड़े से लेट हो गए निमंत्रण देते देते, तो महाराज जी जो भी ये एक निमित्त स्वरूप एक ये निमंत्रण पत्र है प्रेमियों। और ये क्योंकि रात्रि का समय हो गया है यहाँ पे जंगलों में, अब हम चल रहे हैं और यानी कि और महात्माओं को निमंत्रित करके, क्योंकि फिर इस समय के बाद जो समय होगा वो महात्माओं का भजन पूजा का सेवा का समय होता है, तो उसमें विघ्न नहीं डालेंगे। प्रेमियों, जिन महाराज जी के पास अब हम चल रहे हैं, ये नितान्त बियाबान जंगल और घने जंगलों में रहने वाले संत हैं। प्रेमियों, अब आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ये रात का समय हो गया। महाराज जी राधेश्याम, राधेश्याम महाराज जी आ जाए। महाराज जी क्षमा करना, महाराज जी आज समय से आपको कष्ट दी। प्रेमियों, की सच फनी, ये इतनी रात्रि में अभी आप देख रहे हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल, अंधेरा ही अंधेरा। लोग संत महात्मा निवास करते हैं, अपार ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। संध्या आरती का समय है, निमंत्रण पत्र स्वरूप हो गया, ठीक है, आप जरूर पधारें। प्रेमियों, ये महाराज जी ने प्रसाद दिया है, ये ठाकुर जी का भोग आप भी ग्रहण करें, और अब कल तो संत सिद्ध प्रसाद ही पाएंगे। राधे राधे। महाराज जी राधे श्याम, हमारा तो परम सौभाग्य जय श्री राधे राधे प्रेमियों, आज आप ऐसे दर्शन करेंगे, यानी कि जो आपने सुने होंगे कि जो एक बार बरसाने जाता है ना, तो वो बरसाने का ही हो जाता है, यानी कि आज जो बरसाने का जो रस है, यानी कि जो ब्रजवासियों के जो भाव होते हैं, आज हम और आप उनके दर्शन करेंगे। आप प्रेमी सुन भी पा रहे होंगे अंदर का जो रस है ना, अब हम उस रस में चल रहे हैं डूबने के लिए। जग है देखो प्रेम से।
प्रेमियों ब्रजवासियों के भाव हैं देखिए, और ये हमारा बरसाना है। जय जय श्री राधे। प्रेमियों आनंद आ गया, और ये आनंद कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर बाद आपके पास भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और श्यामा जी की बहुत कृपा रही है। अपने आप दर्शन कीजिए, मंगला जी आरती के बाद करेंगे। और ये जो संत आ रहे हैं ना, ये भी यानी ये समझिए कि परमहंस संत हैं। प्रेमी देखिए, प्रेमियों संत हैं और संतों को दंडवती कर रहे हैं, क्योंकि अब ना साक्षात ठाकुर जी हैं। संतों के स्वरूप में ठाकुर जी अब स्वयं हैं यहाँ पे, यानी कि ये रोटियां हैं और इन्हीं के संत माधुकरी करते हैं, तो सभी संतों के लिए ना रोटी भी होगी प्रसादी में। प्रेमियों और चूँकि प्रेमियों आज अमावस्या है, और तो आज ना सभी, क्योंकि ब्रज में अमावस्या के दिन जो इमरती होती है उनका विशेष महत्व होता है, तो अब ना सभी संत भगवानों के लिए इमरती भी बनाई जाएंगी। गुरु जी आ गए, आप दर्शन कीजिए, यानी कि हम धन्य हो गए। प्रेमी जय हो, जय हो, गुरु जी धन्यवाद बना रहा हूँ, बहुत करवा रही गुरु जी। प्रेमी अब हमारे और आप जी पंजाबी बाबा भी आ गए। प्रेमी आप देख रहे होंगे, यानी कि धीरे धीरे ना सब संत भगवान आ रहे हैं, और आज की प्रसादी प्रेमी बहुत, यानी कि समझिए कि श्री जी की विशेष कृपा बरसने वाली है। जय जय श्री राधे। और अब प्रेमियों हमारे बीच में आ चुकी हैं, यानी कि जो दीदी हैं ना, भगवान कृष्ण की इतनी अनन्य भक्त हैं। आप पहली बार इनके दर्शन कर रहे हैं कैमरे पे, यानी कि पहली बार आप कैमरे पे इनके दर्शन कर रहे हैं। प्रेमियों जय महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम, जय जय हो, धन्यवाद। अब प्रेमियों हमारे और आपके बीच में आ गई हैं जो पहाड़ वाली मैया हैं, वो भी आ गई हैं। देखिए दर्शन कीजिए, दोनों मैयाओं के दर्शन कीजिए। प्रेमियों यदि ऐसी साध्वी माताओं के संतों के दर्शन हो पा रहे हैं ना, ये श्री जी की बहुत कृपा समझिए आप, यानी कि हमारे पुण्य फलों का ही ये प्रताप है, जो ऐसे ऐसे संतों की हमारी आंखें दर्शन भी कर पा रही हैं ना।
गुरु जी दंगत प्रणाम। श्री राधे राधे प्रेमियों, प्रेमियों आप दर्शन करिए, आज श्री जी की कृपा से वो महात्मा आ रहे हैं जो जंगलों से, यानी कि ये कभी इनके दर्शन आपको ऐसे यानी कि उन पर नहीं हो, बहुत दुर्लभ हैं, बहुत बड़े संत हैं, केवल जंगलों में रहते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें प्रेमियों। और प्रेमियों अब हमारे और आपके बीच में वो संत आ गए हैं, यानी कि जो कहते हैं ना कि सूरज की तपन भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है, यानी कि जो सूरज की तपन को समेट लेते हैं, सोख लेते हैं, जिन संतों के आप दर्शन कर रहे हैं ना, ये वही संत हैं। जय हो। गुरु जी यानी कि हृदय में इतनी प्रसन्नता है कि यह शब्दों में प्रूव पाना तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपके दर्शन हुए, श्री जी की बहुत कृपा है।